और बड़ी खबर लखनऊ से, यूपीएसएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। खैर आपको बता दें, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया है प्रवीण कुमार की तरफ से। सेहत का हवाला देते हुए सीएम को इस्तीफा भेजा है। आयोग के सदस्य ओएन सिंह को कार्यभार अब दे दिया गया है। जल्द ही नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। संकेत, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ही वरिष्ठ आईएएस अफसर रहे और इनको इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के पद से। दरअसल इन्होंने जो इस्तीफे की वजह बताई है वो 7 कारणों का हवाला देते हुए दायित्व करने का आग्रह सरकार से किया था और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। इन्हें वर्ष 2019 में, दिसंबर 2019 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और अब प्रवीण कुमार का इस्तीफा हो गया है और इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। और इसमें जो वरिष्ठ सदस्य हैं आयोग के, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, ओएन सिंह, उनको अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है और नए चयन की अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। जल्द ही नए अध्यक्ष की तैनाती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए संकेत। वाराणसी से बड़ी खबर है, पिटाई से नाराज युवक की आत्महत्या। मामले में दारोगा और कांस्टेबल लाइन हाजिर हुए हैं। जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। स्कूल की छात्रा के साथ युवक का झगड़ा हुआ था और पुलिस ने छात्रा से युवक को थप्पड़ लगवाया था। पुलिस पर भी थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। दारोगा और कांस्टेबल को अब लाइन हाजिर किया गया है। जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। रवि पांडे इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। वाराणसी का यह मामला है, रवि, छात्रा के साथ युवक का झगड़ा हुआ लेकिन अब पुलिस भी सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी जो सामने आया था उसमें साफ दिख रहा है कि युवक और छात्रा के बीच में बहस हुआ। इस दौरान जो पुलिस वहां से गुजर रही थी, पुलिस ने जब छात्रा से पूछा तो छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस खुद 2 थप्पड़ मारती है, उसके बाद छात्रा से भी थप्पड़ मरवाती, जिसके बाद युवक सीधे गंगा में जाकर कूद करके आत्महत्या कर लेता है। जिसके बाद शव को परिजन बकायदा चौराहे पर रख कर देर रात तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में साफ उनका कहना था कि यदि लड़का गलत था तो उसको गिरफ्तारी की जाती, उसको इस तरह से मरवाया क्योंकि आत्मग्लानि के कारण जो उनका लड़का है वो आत्महत्या कर लिया है। ऐसे में पुलिस के ऊपर वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे। देर रात हंगामा जब तूल पकड़ा तो उच्चाधिकारियों ने बीच में आया और उन्होंने जांच कमेटी गठित की और दरोगा और कांस्टेबल को सस्पेंड किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उन्नाव में हुए बस हादसे में 18 यात्रियों की मौत के बाद शासन हरकत में आ गया है। जांच में पता चला है कि हादसे की शिकार बस महोबा जिले के एआरटीओ में दर्ज है। जांच में कई बड़े खुलासे हो रखे हैं। पुष्पेंद्र अग्निहोत्री का नाम, जो कि उनके नाम पर 39 बसों का रजिस्ट्रेशन है और इसमें 35 बसें बिना फिटनेस और परमिट के सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन तुरंत निरस्त कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के खेल में साल 2018 में तैनात एआरटीओ महेंद्र प्रताप सिंह की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। हादसे के बाद तार जुड़े तो पता चला कि बुंदेलखंड के महोबा से लेकर दिल्ली और बिहार तक बस माफियाओं की तरफ से एक सिंडिकेट बनाकर बसों को चलाया जा रहा है। वो गाड़ी जो है, ओनर तो मुख्य रूप से जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है, केसी जैन, लेकिन पुष्पेंद्र अग्निहोत्री करके हैं जो कबरई महोबा के रहने वाले हैं। वो एट प्रेजेंट के नाम पर जो है यहाँ पंजीकृत है और जिसकी फिटनेस परमिट सब समाप्त है, जांच किया जा रहा है, एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है। यहाँ जो है अभी तक जो जांच में आया है वो 39 गाड़ी हैं, जिसमें 35 गाड़ियों की फिटनेस परमिट सब समाप्त थी। आज मैंने उसका पंजीयन जो है निलंबित किया है। 4 गाड़ी ऐसी हैं जिसकी फिटनेस परमिट अभी वैध हैं, उसकी हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन इसकी सूचना जो है मैं भेजूंगा उनको, ओनर को। राजा
शाजापुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी कई इलाकों में पहुंच गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीमों को उतार दिया गया है। मकानों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। शहर से सटे मोहल्ले में बाढ़ का पानी आने से लोगों में दहशत है। गर्रा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों तक में पानी जा रहा है और ऐसे में पूरी तरह से आसपास का इलाका तालाब में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 3 तस्वीरें आप देखिए, एनडीआरएफ एक्शन में है, पुलिस कार्रवाई कर रही है लगातार, लेकिन आम जनता जो परेशान हो रही है, वो किस तरह से तालाब बने इस इलाके में यात्रा करने के लिए मजबूर हो गए हैं, चाहे वाहन चालकों की हम बात कर लें या फिर बाकी लोगों की। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप लोगों की समस्या का अंदाजा लगा सकते हैं। नदियों का वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत भी करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी सुबह 11:40 के आसपास श्रावस्ती के लक्ष्मण बैराग भिंगा हेलीपैड पहुंचेंगे और बाढ़ राहत शिविर पहुंचकर लक्ष्मणपुर में राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। दोपहर में 2 बजे सीएम योगी बलरामपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। मोटर बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित गांव सोनार का वो जायजा लेंगे। तो लगातार बाढ़ का कहर जारी है और इसी परेशानी के बीच मुख्यमंत्री एक्शन में ही, मुख्यमंत्री रेस्क्यू किए गए लोगों से मिलेंगे भी, राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। और एक बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और केंद्र ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग का विरोध किया है। पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, ये कहना है केंद्र का, और सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भी केंद्र की ओर से अपनी याचिका में इस पॉइंट को भी रखा गया है। वहीं नीट परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है और परीक्षा को लेकर सिस्टम फेल नहीं हुआ है, ये सभी बातें कहते हुए केंद्र ने सभी राज्यों में पेपर लीक होने से इनकार किया है और इसी को लेकर हलफनामा एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। नीट परीक्षा में आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है और पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। नीट परीक्षा मामले में परीक्षा एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इस हलफनामे में एनटीए की ओर से पेपर लीक से जुड़ा ब्यौरा दिया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसमें नीट पेपर लीक मामला भी शामिल था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। साल 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर एक्शन हुआ। एसबीएसपी विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लखनऊ के स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। फरवरी 2006 को रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है। परीक्षा से एक दिन पहले ही बेदीराम से बरामद हुआ था पेपर और मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। मामले में एसटीएफ ने कृष्णा नगर इलाके में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। बेदीराम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था
और चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 26 जुलाई को सभी आरोपियों की हाजिरी तय कराने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर कृष्णा नगर थाने को यह आदेश दिया गया। गोरखपुर से अगली खबर, जहां पर परचून की 3 दुकानों में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खोराबार थाना क्षेत्र के सूबा बाजार की यह घटना है। तड़के 3 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के फैसले के बाद जमीयत उलेमाए हिंद हरकत में आ गया है, और आज इस फैसले को लेकर चर्चा करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। लीगल टीम की बैठक के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून हर धर्म की महिला के लिए है, और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कुरान ये कहता है कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले कम अज़ कम मुफ्तियाने कराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रुजू करना चाहिए था। मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है, तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का खर्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में काफी खुशी है। बरेली में आला हजरत की बहू तलाकशुदा निदा खान ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के नाम पर परेशान किया जाता है और वो इसकी भुगत भोगी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें अपनी शरीयत प्लस करके चलते। वहीं इस फैसले को लेकर कोलकाता की नखोदा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद शफी कासमी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर शरीयत में पहले से नियम और कायदे हैं, लेकिन भरण पोषण वाली बात इस्लामी शरिया के खिलाफ है और मुस्लिम पुरुषों पर ज्यादती है।